हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर लाइफ इज़ ब्यूटीफुल शालूस किचन पर। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक बढ़िया सा एक कैंडी की रेसिपी। ये जो रेसिपी है बच्चे को बड़े को एक जैसा पसंद आने वाले हैं। थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा, तो क्यों ना हम इसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कप अंगूर। तो ब्लैक ग्रेप्स मैंने यहाँ पर लिया है और इसे अच्छे से वॉश करके हमें लेना है। उसके बाद इस अंगूर को हमें मिक्सर जार में डालकर अच्छे से ब्लेंड करके ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसे ब्लेंड करके लेना है। अभी हम इसे स्ट्रेन करेंगे, अच्छे से छान कर ले लेंगे। हमने अच्छे से छान कर ले लिया है। तो अभी एक पैन रख देंगे गैस पर और इस जूस को हमें इस पैन पर ऐड कर लेंगे। और साथ ही साथ हमें ऐड करना है आधा नींबू की रस यानी कि लेमन की जूस ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। और हमें इस पर ऐड करना है शुगर, 5 टेबलस्पून शुगर ऐड कीजिएगा। तो मैंने इस तरह के छोटा बाउल में मैंने लिया है, तो ये छोटा बाउल में भर कर मैंने लिया है और अच्छे से मिला देंगे। और देखिए ये अच्छे से मिल चुका है और इसे हमें थोड़ा सा गाढ़ा करके लेना है, इस तरह से थिक करना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर रखना है और इसे हमें थिक करके लेना है। तो देखिए बढ़िया सा हमारा जो कैंडी यहाँ पर रेडी हो रहा है, बहुत ही एक स्मेल भी आ रहा है, इतना अच्छा डिलीशियस है ना ये रेसिपी। तो बच्चे को तो बहुत ही पसंद आने वाले हैं, तो बड़े को भी बीच बीच में ऐसे खट्टा मीठा जो कैंडी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है ना, तो बीच बीच में इस तरह का कैंडी बनाकर रखिएगा घर पे। और इसे तुरंत नहीं, ठंडा होने के बाद इसे हमें बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से एक ग्लास पर मैं, या फिर आप कोई कटोरी में, कोई भी आप बाउल में आप इसे ट्रांसफ़र कीजिए। और इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद हम इसका एक कोई भी शेप से इसे हमें रेडी कर सकते हैं। अगर बॉल्स शेप चाहिए, राउंड शेप चाहिए या फिर स्क्वायर चाहिए, वो आपके ऊपर है, आप उसे उसी तरह से सर्व कर सकते हैं। तो देखिए बढ़िया सा हमारा कैंडी रेसिपी यहाँ पर रेडी है। अभी इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद मैं आपको बताती हूँ इसे किस तरह से मैंने यहाँ पर शेप इस कर लिया है। इसके लिए हमें चाहिए पाउडर शुगर और मैंने यहाँ पर देखिए इस कैंडी को 1 चम्मच अपने हाथ में लिया है और इस तरह सा राउंड शेप मैंने इसे दिया है। आप चाहे तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरह सा बढ़िया सा एक राउंड शेप दिया है और इसे हमें पाउडर शुगर में डिप कर लेंगे। और इस तरह से हमें इस पाउडर शुगर का कोटिंग इस पर लग गया अच्छे से। और इसी तरह सारे बॉल्स को हमें रेडी कर लेंगे। आप चाहे इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। तो बन गया ना बढ़िया सा और खट्टा सा मीठा सा ये कैंडी। तो इजी है ना इसे बनाने के लिए। अभी अंगूर का सीज़न है, ज़रूर आप इस तरह का वेराइटी रेसिपीज ट्राई कीजिए और अपने घर पर और बच्चे को सबको